स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल

शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर नाइन से हमारा टाइटल क्या है स्पीशीज बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम ठीक है यानी कि जो प्रजातियां हैं उन पर आधारित उन पर बेस कुछ कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है भारत में चलाए जा रहे हैं फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपने सुना होगा जहां पे हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर्स का जो हैबिटेट है ओवरऑल उसको कंजर्व करने के लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर आए थे इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने बायोडावर्सिटी को लेकर काफी डिटेल डिस्कशन किया था हमने ये भी देखा था कि बायोडावर्सिटी के कितने ज्यादा बेनिफिट्स इस प्लान को और हम सबको हैं एंड इसीलिए हमने ये जाना था कि बायोडावर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना बेहद जरूरी है परफेक्ट है तो अगर लास्ट वाला आपको क्लास याद होगा तो आपने देखा होगा कि बायोडाइवर्सिटी को लेकर है ना हमने ये समझा था कि बायोडाइवर्सिटी को लेकर मेनली दो तरह की जो अप्रोच हैं वो जो है हमारे द्वारा एक तरीके से चलाई जाती हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन अप्रोचेस के नाम आपको याद होंगे एक्सी टू एंड इन सी टू हमने ज़्यादा डिटेल में जो डिस्कशन किया था वो किया था इन सी टू को लेकर यानी कि जहाँ पर जैव विविधता आपकी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है उसको वहीं पर जो है प्रोटेक्ट किया जाए जिसके अंदर हमने प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो होते हैं इनके बारे में डिस्कशन किया था और हमने देखा था कि दरअसल प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आपके नेशनल पार्क आते हैं आपके वाइल्ड लाइफ सेंचूरीज आते हैं इसके अलावा टाइगर रिजर्व्स आते हैं आपके एलिफेंट रिज़र्व्स आते हैं कम्युनिटी रिजर्व आते हैं राइट है इन सारी चीजों को हमने बहुत डिटेल से चीजों को देखा था परफेक्ट है ये हम बेसिकली जब यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर एरिया की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं जैसे अगर हम बेसिकली नेशनल पार्क का एक एग्जांपल लें तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क के अंदर जो भी फ्लोरा है फ्यूना है वेजिटेशन एनिमल्स वो पूरा का पूरा जो है बेसिकली प्रोटेक्ट करने पर एक फोकस रहता है दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है वो यहाँ का जो एक इकोसिस्टम है राइट right है इस प्रोटेक्टेड एरिया का जो एक इकोसिस्टम है इसको होलिस्टिकली जो प्रोटेक्ट करने की हमारी एक अप्रोच रहती है एक दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि कुछ पर्टिकुलर स्पिस की जो पॉपुलेशन है उनमें बहुत तेजी से हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला हो जैसे अगर हम टाइगर्स की बात करें राइट right है टाइगर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 90s के दौर में ठीक है जो इनकी पॉपुलेशन थी इंडिया में वो फोर्टी के के अराउंड थी लेकिन सिर्फ सेवेंटी टू सालों में ही यानी कि नाइनटीन सेवेंटी टू तक आते आते जो टाइगर्स की पॉपुलेशन बची थी वो केवल एटीन हंड्रेड बची थी ठीक है केवल एटीन हंड्रेड बची थी और 1972 में जब ये पता चला कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो चालीस हज़ार से सिर्फ 1800 पर आ गई है तो एक पैनिक क्रिएट हुआ था कि हम इस तरीके से जो है अपनी इस एक बायोडावर्सिटी को है ना एक तरीके से नष्ट नहीं होने दे सकते हैं एक्सटेंट नहीं होने दे सकते हैं तो इसीलिए 1973 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोजेक्ट लाया गया स्पेसिफिकली टाइगर्स की पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये दरअसल स्पिस बीस कंजर्वेशन प्रोग्राम का एक एग्जाम्पल है राइट right? है तो आज का जो हमारा बेसिकली क्लास रहेगा उसमें हम इसी तरह के ये जो स्पेसीज बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में देखेंगे कि इंडिया के अंदर टाइगर्स को लेकर लायंस को लेकर राइट है right? वोल्चर्स को लेकर राइनोस को लेकर एलिफेंट्स को लेकर अलग अलग जो है बेसिकली आप कह सकते हैं प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ठीक है और सिर्फ हम बेसिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही चीज़ें नहीं देखेंगे हम देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत सरकार के द्वारा कुछ एन के साथ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ है ना कॉरपोरेट किया जा रहा है अपनी बायोडावर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए परफेक्ट है अब यहाँ पर जब आप बेसिकली बुक में इस चैप्टर को देखोगे तो आपको फ्रंट पेज पर ही एक टाइमलाइन दिखाई देगी बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है ये बताया गया है कि दरअसल 1970 के टाइम से यह स्पेसीज बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम का एक हिस्ट्री देखने के लिए मिलता है और तब से लेकर अब तक सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका आपको एक यहाँ पे डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है जैसे सबसे पहले देखिए 1970 में प्रोजेक्ट हंगुल चलाया गया राइट है देन 1973 जैसे हमने जस्ट अभी बात की प्रोजेक्ट टाइगर ठीक है 75 में आ जाएंगे तो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया गया था देन आप देखेंगे लेसर कैट प्रोजेक्ट है मणिपुर का जो वो एंट्रियोर डियर प्रोजेक्ट है राइट है हिमालयन मस्क डियर प्रोजेक्ट है डेंगे डॉल्फिन सेंक्चुरी जो है बनाई गई थी है ना देन प्रोजेक्ट एलिफेंट का 1992, राइट है इसी तरह आप नीचे आ जाएंगे रेड पांडा को लेकर टर्टल्स को लेकर इस तरीके से एक आपको एवोल्यूशन स्पेसीज बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स का इंडिया में देखने के लिए मिलता है ठीक है अब जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन सा देखा गया प्रोजेक्ट हंगल राइट है तो देखिए जो हंगुल है वो इंडिया का एंडेमिक है यानी कि सिर्फ भारत में ही मिलता है हमने बात की थी कि किस तरह जो एंडेमिक स्पिस होती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है है ना और आप देखोगे तो जो आपका दाछी है ना नेशनल पार्क है वहां ये देखने को मिलते हैं और जो बाद में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का एडजॉइनिंग वाला जो एरिया है प्रोटेक्टेड एरियाज़ का वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं ठीक है दरअसल नाइनटीन के दौरान और नाइनटीन के दौरान जो है इनकी जो बेसिकली पॉपुलेशन थी है ना उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने के लिए मिला था राइट है अचानक से 50-60 के दौर में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इनकी पॉपुलेशन में देखने के लिए मिला था रीज़न क्या था देखो जो स्पिसीज हैं जब उनके पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है मोटे तौर पर कुछ रीजंस होते हैं जो लगभग हर एक जो है स्पसीज पर लागू होते हैं जैसे सबसे पहला तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर स्पसीज को लेकर हन्टिंग की जाती हो ठीक है और इसी में एक टर्म आती है आपकी ट्रॉफी हंटिंग है ना यानी कि आप जो शिकार कर रहे हैं वो एक तरीके से किस लिए कर रहे हैं वो आपको ट्रॉफ़ी जैसा लगता है मतलब एक शौक़ की तरह कर रहे हैं तो इस शौक़ के शिकार की वजह से बहुत सारी जो सीजन की पॉपुलेशन कम होती है जैसे भारत के अंदर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है राइट है उसका कभी पहले जब भारत के अंदर ट्रॉफ़ी के रूप में शिकार किया जाता था पॉपुलेशन काफ़ी कम हुई थी पाकिस्तान में तो आज भी जो है उसका एज अ ट्रॉफी हॉन किया जाता है पहला रीज़न तो ये होगा दूसरा रीज़न हो सकता है कि दरअसल कुछ आपके फ्लोरा फ्लोराफ्यूना को क्या है बेसिकली बेसिकली आपके जो एनिमल्स हैं उनकी पोचिंग की जाती हो ठीक है कई बार क्या होता है कि कुछ एनिमल्स के कुछ बॉडी पार्ट्स मार्केट में वैल्यूएबल माने जाते हैं राइट है हो सकता है उनकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए डिमांड हो उनके स्किन के लिए डिमांड हो उनके फर के लिए डिमांड हो है ना तो इस वजह से क्या उनकी पोचिंग की जा सक जाती है तीसरा आपको देखने को मिलेगा की डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ चलती है इसकी वजह से उनके जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट होते हैं ठीक है तो जो उनका निवास स्थान है जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट होते हैं हो सकता है कोई रोड बन गई हो कोई ब्रिज बन गया हो है ना इस वजह से जो हैबिटेट है वो बेसिकली क्या है धीरे धीरे नष्ट हो रहा है अगर कम्प्लीटली हैबिटेट डिस्ट्रक्ट नहीं भी हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ठीक है फ्रेगमेंटेशन मान लीजिए एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा खासा फ्लोरा फ्योना रहता था मान लीजिए इसके बीच में जो है एक रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया है है ना तो आप देखोगे फ्रेगमेंटेड हो गया है तो स्पेसिस का मूवमेंट कम हो जाएगा वो आइसोलेट हो जाएंगे ठीक है और बेसिकली क्या है आपको और भी चैलेंजेस उनके लिए देखने के लिए मिलेंगे तो आपका हॉन्टिंग पोचिंग हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉक्ट होना फ्रेगमेंटेशन होना हैबिटेट का एंड इसके अलावा कई बार जो आपको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है ये भी रीजन होता है जैसे अगर आप साउथ की स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो एलिफेंट और मैन कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा जिसकी वजह से एलिफेंट्स कई बार क्या करते हैं जो फसलें हैं उनको बर्बाद कर देते हैं देन ह्यूम जो एक रिटेलिएट एक्शन करते हैं वो एलिफेंट्स पर जो है अटैक करते हैं तो ये कुछ ऐसे रीजनस हैं जो कॉमनली आपको किसी भी स्पसीज के अगर पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है तो मिल जाएंगे ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट हंगुल की हम बेसिकली बात कर रहे थे है ना तो बेसिकली क्या हुआ था नाइनटीन और सिक्सटीज़ के दौर में इनका जो हैबिटेट था वो डिस्ट्रक्ट हो रहा था इलीगल पोचिंग हो रही थी है ना तो इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है कम हो रही थी नाइनटीन में जाके जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी उनके द्वारा जो है आई यू सी एन और डब्ल्यू डब्ल्यू एफ़ की मदद से प्रोजेक्ट हंगुल को जो है लॉन्च किया गया था एम क्या होगा किसी भी स्पसीज़ बेस्ड कंज़र्वेशन प्रोग्राम का जो एम होगा उस स्पसीज को प्रोटेक्ट करना होगा राइट है उस पर्टिकुलर प्रजाति को प्रोटेक्ट करना है उसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है यही एम होगा यही एम जो है प्रोजेक्ट हंगुल का भी था ठीक है इसको ध्यान रखिएगा एंड इसके बाद ना सत्तर के दशक में जाके सत्तर अस्सी के दशक में जाके देखा गया कि हंगुल की जो पॉपुलेशन थी उसमें इजाफा देखने को मिला था इजाफा देखने को मिला था बट अनफॉर्चुनेटली एक थाउजेंड किया गया था 2017 में अब हम आ गए हैं तो यहाँ पे फिर से जो है एक decline trend इनके पॉपुलेशन में देखने के लिए मिल रहा है ठीक है इसको जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा परफेक्ट है चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो कौन सा है यह है आपका प्रोजेक्ट टाइगर तो आप देखोगे भारत जो है जो थर्टीन रेंज कंट्रीज हैं जहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं भारत उनमें से एक है है ना वो थर्टीन रेंज कंट्रीज कौन कौन से हैं वर्ल्ड में बांग्लादेश भूटान कंबोडिया चाइना इंडोनेशिया ठीक है मलेशिया नेपाल रशिया थाईलैंड वियतनाम एंड आपका जो है लाओस राइट है जो टाइगर्स होते हैं वो कैट्स में सबसे बिग होते हैं राइट है बिगेस्ट कैट स्पीज ये मानी जाती है और अगर इनके आयुष स्टेटस की बात करें तो ये एंडेंजर्ड है ठीक है भारत में जैसा कि मैंने बताया 1900 के दौरान 40,000 के लगभग इनकी पॉपुलेशन थी 1972 तक आते आते सिर्फ 1800 के लगभग बची एंड नाइनटीन सेवनटी में प्रोजेक्ट टाइगर को जो है यहाँ पर लॉन्च लौ, कर दिया गया ठीक है जी तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है अगर आप इंडिया में देखोगे तो आज की डेट के अकॉर्डिंगली रिसेंटली जो डाटा है फिफ्टी टोटल टाइगर रिजर्व जो है भारत में बनाए गए हैं है ना और बेसिकली आप देखोगे कि जो टाइगर रेंज है भारत के अंदर वेस्टर्न घाट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ईस्टर्न घाट में देखने के लिए मिलेंगे सेंट्रल इंडिया एंड देन आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया ठीक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिग्निफिकेंट जो है पॉपुलेशन आपको इनकी देखने के लिए मिल जाएगी देन जो तराई वाला आर्क लैंडस्केप है वहां पर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे देखो जो टाइगर बेसिकली कंजर्वेशन uh, का काम शुरू किया गया है इसके लिए जो नोडल अथॉरिटी है वो आपकी नेशनल uh, टाइगर ठीक है कंजर्वेशन अथॉरिटी है ठीक है एन टी सी ए नैशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इस अथॉरिटी को कब बनाया गया आपको याद होगा जब हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था ठीक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था 1972 वाला तो हमने बात की थी 2005 में इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे अमेंडमेंट किए गए थे एंड यहीं पर जो है आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था ये जो अथॉरिटी है आपकी यही आपके प्रोजेक्ट टाइगर के लिए बेसिकली क्या है एक तरीके से नोडल एजेंसी है ये जो है इनका ध्यान रखती है एंड इसी प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि आप टाइगर्स के हैबिटेट को एंड टाइगर्स की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टाइगर रिज़र्व्स बनाओ टाइगर रिजर्वस जो बनाए जाते हैं हमेशा ध्यान रखना ये बेसिकली जो आपका कोर एरिया होता है ठीक है इस तरीके से कि बेसिकली एक कॉन्सेप्ट काम करते हैं एक आपका कोर एरिया होता है एंड एक आपका जो है बेसिकली बफर एरिया होता है ठीक है एक आपका बफर एरिया होता है कोर एरिया के अंदर मोस्टली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रोहिबिट किया जाता है जैसे जो चराई वगैरह है वो यहाँ पे अलाउ नहीं होती बफर एरिया के अंदर जो नियम होते हैं जो रेगुलेशंस हैं होते हैं कंपैरेटिवली लिबरल होते हैं ठीक है चेके? यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है ये इसलिए किया जाता है ताकि जो बेसिकली एक आउटर एक्सटर्नल एरिया है और ये जो कोर एरिया है इनका डायरेक्टली जो है कनेक्शन ना हो बीच में ट्रांजिशन देने के लिए जो है बफर एरिया बनाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम रिजर्व्स के अंदर आपको ये कोर एंड बफर एरिया वाला जो है कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल जाएगा एंड यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी जो है पूछा हुआ है ठीक है तो इस बेसिकली चीज को आप ध्यान रखिएगा अगर हम टाइगर रिजर्व्स के बारे में कुछ की फैक्ट्स की बात करें तो फिफ्टी फोर टोटल नंबर पे है भारत का जो सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो आपका आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन जो बेसिकली सागर सरीसलम टाइगर रिजर्व है वो ठीक है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है आ, ये एक बॉडी है क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में जो अमेंडमेंट आया था ठीक है जी उसके तहत इसको स्टेब्लिश किया गया था जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं एंड बाकी के जो आपकी लोकल बेसिकली बॉडीज हैं और जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ बहुत ही बेसिकली क्लोज कोऑर्डिनेट करके जो है इनके द्वारा काम किया जाता है ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अब एक और चीज़ है टाइगर्स के पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड चल रहा है इसके लिए बेसिकली एक सेंसस जो है कराया जाता है है ना और ये सेंसस हमेशा हर चार साल बाद देखने के लिए आपको मिलेगा यानी कि एवरी फोर ईयर एक टाइगर्स की जो है जनसंख्या यहाँ पे कराई जाती है यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप किया गया है जिसको एम स्ट्राइप्स बोलते हैं इस पर जो है क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये जो एम स्ट्राइप्स है ये आपका बेसिकली जी जो सिस्टम है आपका जो कैमरा है सेंसर्स हैं इन सब का एक कंबाइंड पैकेज है ठीक है एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है और आप कहेंगे कि एक तरीके से क्या है मोनिटरिंग सिस्टम है ठीक है तो ये क्या करता है मोनिटरिंग करता है तो जो टाइगर्स का मूवमेंट है वो टाइगर्स का जो हैबिटेट है उसके अंदर पोचिंग को लेकर या फिर टाइगर्स के ओवरऑल जो बेसिकली हैबिटेट की एक हेल्थ को लेकर जो है यहाँ पे लगातार मोनिटरिंग की जाती है एमिस्ट्राइप्स के फुल फॉर्म की बात करें तो ये है आपका मोनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस ठीक है इसको ध्यान रखिएगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है रियल टाइम डाटा आपको जो है यहाँ पर मिल पाता है और आप जो है डाटा को अच्छे तरीके से एनालाइज करके देन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन यहाँ पर ले पाते हो राइट right? तो ये हुआ अब देखो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिल जाएगा दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आई बी सी ए तो ये जो आई बी सी ए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट है आई बी सी ए को जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में जो है लॉन्च किया गया था ठीक है इसको ध्यान रखिएगा और बेसिकली यहाँ पे जो आपके टोटल सेवन बिग कैट्स होते हैं ठीक है जो आपके टोटल सेवन बिग कैट्स होते हैं टाइगर लॉय जिग्वा लेपर्ड राइट स्नो लेपर्ड चीता प्यूमा इन सब का जो है बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से ज़िक्र किया गया कि इन सब के कंजर्वेशन के लिए हम जो है यहाँ पर काम करेंगे ग्लोबल एफर्ट्स को स्ट्रेंदन करने के लिए और इंडिया एक लीडरशिप जो है टाइगर्स की प्रोटेक्शन में देने के लिए बिग कैट्स की प्रोटेक्शन में देने के लिए इस प्रोग्राम को लेकर आया था ठीक है इसको ध्यान रखिएगा अब कुछ जो ग्रेट इंटरनेशनल इनिशियेटिवस है उनकी बात कर लेते हैं एक तो इंटरनेशनल टाइगर डे जो है ट्वेंटी ऑफ जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है देन एक ग्लोबल टाइगर इनिशेटिव है ठीक है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव को 2008 में जो है बेसिकली स्टार्ट किया गया था ठीक है वर्ल्ड बैंक और जो आपका ग्लोबल इन्वामेंट फैसिलिटी है ठीक है जी आ, और इसके अलावा जो आपका एक टाइगर फंड है और जो इंटरनेशनल टाइगर कॉलिशन है ये सब लोग मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं और बेसिकली यहाँ पे कंजर्वेशन के स्ट्रैटेजीज वगैरह जो है बनाई जाती है फिर एक आपका आता है सेंट पीटर्स वर्ड डेक्लॉरेशन ठीक है तो ये जो सेंट पीटर्सबर्ग डेक्लारेशन है 2010 में रशिया में बेसिकली इस जो डेक्लारेशन है इस पर जो है कमिटमेंट दिखाया गया था कि हमें क्या है वाइल्ड टाइगर्स के प्रोटेक्शन को लेकर काम करना है देन एक आपका ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है ठीक है जी एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है और इसमें यह कहा जा रहा है कि भाई 2020 तक ठीक है अब तो ये पुराना हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी तक सॉरी 2022 तक हम जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है जो टाइगर्स के नंबर है उनको दुगना कर देंगे ठीक है तो ये टी एक्स टू प्रोग्राम जो है इसके द्वारा चलाया जा रहा है देन एक आपका ग्लोबल टाइगर फोरम भी है इसको आपका जो है 1994 में जो है बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था एक इंटर गवर्नमेंटल ये बेसिकली इंटरनेशनल बॉडी है और ये कहती है कि जो टाइगर्स का प्रोटेक्शन है ना वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो प्रे है जिस पे टाइगर फीड करते हैं उनके बेस को भी हमें प्रोटेक्ट करना है और हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करना है क्योंकि अगर टाइगर्स के लिए फीड ही नहीं होगा तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेंगे ठीक है तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिकली आपका जो है प्रोग्राम है इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है देन एक आपका कन्जर्वेशन अश्योर टाइगर स्टैंडर्ड होता है ठीक है इसको बेसिकली कंजर्वेशन अश्योर टाइगर स्टैंडर्ड यानी कि सी ए टी एस भी बोलते हैं जो बेसिकली ग्लोबल कॉलिशन ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनके द्वारा एक टूल की तरह बेसिकली डेवलप किया गया था एक एक्रेडेशन टूल है है ना एक मान्यता देने वाला बेसिकली टूल है इसमें यह बोला गया था कि दरअसल जो भी कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं है ना वो किस तरीके के चल रहे हैं है ना उनको एक्रेडिट एक करना है कि नहीं दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिस और नॉट इसके लिए जो है इसको दिया जाएगा भारत में करीब चौदह टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनको ये सी ए टी एस एक्रेडेशन अवॉर्ड मिल चुका है ठीक है तो इस तरह से आप जो है चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो अब इसके अलावा आप देखो टी एक्स टू अवार्ड तो दरअसल आप देखोगे कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का है ना और जो महाराष्ट्र में एडजॉइनिंग पेंच टाइगर रिजर्व है उसने 2023 का जो टी एक्स टू अवार्ड था उसको जीता था क्योंकि उन्होंने जो है अपने यहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन को लेकर अच्छा काम किया था ठीक है इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा तो जो टाइगर हैं और जो टाइगर रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है या टाइगर बेसिकली रिजर्व्स हैं या आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चंस आपके जो है बनकर आते हैं देन दूसरा जो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये है आपके क्रोकोडाइल कंजर्वेशन इन इंडिया तो एक तो आपके यहाँ मार्श क्रॉकोडाइल्स होते हैं इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान नेपाल और पॉसिबली जो बांग्लादेश है वहाँ पर जो वेट वेट बेसिकली देखने के लिए आपको मिल जाएंगे और इसके अलावा दूसरे होते हैं आपके सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल ठीक है ये जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं ये खतरनाक होते हैं मैन ईटर्स का रेपुटेशन इनको जो है मिला हुआ है तो उड़ीसा का जो भीतर कनी नेशनल पार्क है सुंदरबन है जो वेस्ट बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे एंड घड़ियाल घड़ियाल का जो प्राइमरी पॉपुलेशन मिलता है वो बेसिकली आपकी जो चंबल रिवर है वहां पर देखने के लिए मिलता है सेकेंडरी जो बेसिकली आपकी घग्गर गंडक रिवर है उत्तर प्रदेश के अंदर और साथ में जो रामगंगा रिवर है उत्तराखंड में एंड जो सोन रिवर है बिहार में वहां पर भी देखने के लिए मिल जाएगा बट घडियाल का जो मेनली प्राइमरली आपको पॉपुलेशन देखने को मिलता है वो चंबल रिवर में देखने के लिए मिलेगा ठीक है जी घड़ियाल आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जो आपके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है मैनीटर्स जो है वो

फाइव से ठीक है और यहाँ पे आप ये भी देखिएगा कि दरअसल पाँच हजार से लेकर करीब आपके मान के चलेगा कि एक लाख तक की जो है पॉपुलेशन देखने को मिल रही थी ठीक है और 1946 में आते आते ये सिर्फ 250 सौ पचास बच गए थे घड़ियाल जो थे और अभी भी घड़ियाल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड माने जाते हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा देन जो नेक्स्ट आता है ये आपका आता है मणिपुर ब्रो एंक्लियर डियर प्रोजेक्ट तो ये आपको पता है जो केबुल लामझोल नेशनल पार्क है मणिपुर में बेसिकली वहाँ मिलते हैं इनकी पॉपुलेशन में जो डिक्लाइन देखने को ज्यादातर मिला है वो हैबिटेट डिस्ट्रोक्शन की वजह से मिला है ठीक है जी अच्छा इसको लेकर भी जो है सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम जो है लाया गया था 1977 में उसको जो है लॉन्च किया गया था कि एक तो इनके हैबिटेट को रिस्टोर करना है एंटी पोचिंग बेसिकली जो प्रैक्टिसेस हैं उनको लेकर ज्यादा काम करना है एंड साइंटिफिक रिसर्च करनी है और लोकल पॉपुलेशन के बीच में एक अवेयरनेस फैलाना है कि इनको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है ठीक है इसके बाद आता है गेंगेटिक डॉल्फिन्स तो गेंगेटिक डॉल्फिन्स आपको गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी बेसिकली नदी में देखने के लिए मिल जाएंगे एंड उसकी जो ट्राइब्यूट्रीज़ हैं भारत में और बांग्लादेश में ठीक है इसके अलावा आपके इंडो ओशन हम बैक डोल्फिन होते हैं इंडियन ओशन और साउथ अफ्रीका में देखने को मिल जाएंगे आसपास का जो एरिया है ईरावाड़ी डोल्फिन हैं जो आपको साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के कोस्टल एरियाज में देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है एंड देन आपके जो है इंडो पैसिफिक बोटल नोज डोल्फिन हैं जो आपको शेलो कोस्टल वाटर है जो इंडियन ओशन का साउथ ईस्ट एशिया का ऑस्ट्रेलिया का वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे स डॉल्फिन ये आपको बेसिकली इंडो पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरियाज में देखने के लिए मिल जाएंगे स्ट्राइप डॉल्फिन जो आपका अरेबियन सी है बे ऑफ बंगाल है वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे तो सरकार के द्वारा कंजर्वेशन इनिशिएटिव लाया गया था गेंगेटिक डॉल्फिन के लिए किसके लिए गेंगेटिक डॉल्फिन के लिए तो एक तो दरअसल गवर्नमेंट की तरफ से नाइनटीन नाइन्टी वन में नाइनटीन नाइनटी वन में जो बेसिकली विक्रमशिला ठीक है एक विक्रमशिला जो है डॉल्फिन सेंचुरी को स्टैब्लिश किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ठीक है इसके अलावा एक कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर गंगा रिवर डॉल्फिन 2010 से लेकर 2020 के लिए लाया गया था देन 2009 में इसको एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में जो है बेसिकली डिक्लेयर कर दिया गया था सरकार की तरफ से पाँच अक्टूबर को हम इनके लिए डेडिकेटेड डे भी सेलिब्रेट करते हैं और पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है जो पटना यूनिवर्सिटी है बिहार की ठीक है वहाँ पर बेसिकली स्टेब्लिश किया गया था राइट right? है इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा स्पेशज कंजर्वेशन प्रोग्राम दैट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है तो एशियन एलिफेंट्स जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएंगे है ना इंडिया में देन अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स हैं और सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका में देखने के लिए मिल जाएंगे अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स हैं ठीक है जो सवाना ग्रासलैंड वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो एलिफेंट्स की भी पॉपुलेशन कम होने के रीजन वही थे हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा था फ्रेगमेंटेशन हो रहा था पोचिंग इलीगल ट्रेड मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ये सारी चीजें थी ठीक है तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली uh, क्या है uh, जो एलिफेंट की पॉपुलेशन और उसके हैबिटेट को मैनेज करने के लिए है ना प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया कब नाइन में और ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में जो है बेसिकली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सेंट्रल uh, जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें दरअसल क्या है जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कुछ फंडिंग ये देती है एंड कुछ फंडिंग जो है बेसिकली आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है ठीक है तो ये जो है सरकार की तरफ से शुरू किया गया ऑब्जेक्टिव यही था कि ना सिर्फ एलिफेंट बल्कि उनके हैबिटेट्स और कोरिडोर्स को भी प्रोटेक्ट करना है देखो जो एलिफेंट्स होते हैं वो दरअसल एक एरिया से दूसरे एरिया में मूवमेंट करते रहते हैं और ये जो मूवमेंट करते हैं ये कॉरिडोर होते हैं अगर इन कॉरिडोर्स के बीच में से कोई रेलवे लाइन वगैरह गुजर रही है तो जो बेसिकली एलिफेंट्स की रेलवे ट्रैक पर डेथ हो जाती है ये इंसिडेंट्स बहुत देखने के लिए मिलते हैं तो अगर एलिफेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है ना तो इन कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना मैंडेटरी है ठीक है क्योंकि आप उनके मूवमेंट को जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते देन इसके अलावा जो एलिफेंट्स है वो ह्यूमंस के द्वारा में भी रखे जाते हैं ठीक है कल्चरल उनके जो है बेसिकली कुछ सिग्निफिकेंस है रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है एलिफेंट्स का तो बेसिकली जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उनके वेलफेयर को भी इस प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर जो है सरकार की तरफ से इंक्लूड किया गया था ठीक है इन साथ में जो है एलिफेंट रिजर्व्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे इस्टाब्लिश किए गए हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं एक प्रोग्राम लाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से हाथी मेरे साथी ठीक है हाथी मेरे साथी में कम्युनिटी बेस्ड जो है इनिशिएटिव सरकार ने चलाया था और यहाँ पर क्या है कम्यूनिटीज़ के बीच में ठीक है कम्युनिटीज़ के बीच में बेसिकली एक अवेयरनेस को लेकर एक अवेयरनेस को लेकर जो है काम किया गया था कि भाई क्यों ज़रूरी है एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना एक गज महोत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाता है और इसके अलावा आप देखोगे प्रोजेक्ट रीहैब जो है लॉन्च किया गया था ये जो प्रोजेक्ट री है ये आपका KVIC, के वी आई सी यानी कि जो आपका खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है इसके द्वारा लाया गया था प्रोजेक्ट री में जो बी बॉक्स होते हैं ठीक है उनको ना स्ट्राटेजिकली लोकेट करके रखा जाता है ये जो बी बॉक्स होते हैं इनको रेलवे ट्रैक्स के आसपास जो है बेसिकली स्ट्राटेजिकली प्लेस किया जाता है तो ये जो बी की आवाज है राइट है ये इस से जो है एलिफेंट बेसिकली आप कहेंगे पीछे हटते हैं तो रेलवे ट्रैक्स पे वो ना आए और वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स ना हो उसके लिए एक प्रोजेक्ट रीहेप हाँ जो है यहाँ पर लाया गया था ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल एलिफेंट रिजर्व इंडिया के अंदर 33 थ्री है लेटेस्ट वाला जो है तराई एलिफेंट रिजर्व है उत्तर प्रदेश में ठीक है यहाँ पे मैप में प्रॉपर लोकेशंस के साथ चीजें जो है यहाँ पर दी गई हैं ठीक है इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा देन इसके बाद प्रोजेक्ट रेड पांडा तो इंडिया के अंदर जो सिक्किम है अरुणाचल प्रदेश है ठीक है इसके अलावा आप देखोगे जो म्यांमार और साउथ चाइना वाला थोड़ा सा आपको पोर्शन देखने के लिए मिल जाएगा भारत में मेघालय यहाँ पे जो है आपको ये रेड पांडास देखने को मिल जाएंगे रेड पांडास काफ़ी शाई नेचर के होते हैं यह तो आपको पता ही होगा और बेसिकली ये ना इकोलॉजिकल चेंज के लिए बायो इंडिकेटर का भी काम करते हैं इनके लिए सरकार प्रोजेक्ट रेड पांडा लेकर आई थी है ना और इसमें जो है हेल्प हमें मिली है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वर्ल्ड वाइड फंड की ठीक है देन आता है आपके टोटल कंजर्वेशन तो इंडिया में अगर आप देखोगे लीज सॉफ्ट सेल टोटल मिलता है जो पेनसुलर इंडिया का एंडेमिक है रेड क्राउंड रूफ टोटल आपको मिलता है जो इंडिया नेपाल और बांग्लादेश का नेटिव है राइट है देन आपको बेसिकली हॉक्स बिल जो है टर्टल मिल जाएंगे ट्रॉपिकल ओशंस में आपको थ्रू आउट द रेंज देखने को मिलता है बेंगाल रूफ टर्टल नेटिव है इंडिया बांग्लादेश और नेपाल के एंड ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में तो आप न्यूज सुनते ही होंगे है ना ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो पैसिफिक इंडियन और अटलांटिक ओशंस के वाटर है वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं ठीक है और बेसिकली जो ओलिव रिडले टर्टर है इनके बारे में तो हमने जब हम स्पेसीज को डिस्कस कर रहे थे थोड़ा देखा भी था अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ में जो यू है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उन्हें नाइनटीन में सी टोटल प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया था ठीक है तो उसमें क्या था एक तो हम क्या करेंगे सारे जो भी कोस्ट हैं उनका एक्सटेंसिव सर्वे करेंगे ठीक है देन बोला था कि हम कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं ठीक है उनको बेसिकली क्या है एक तरीके से इवेलुएट करेंगे उनको और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे साथ में जो नेस्टिंग एरियाज़ होते हैं है ना जहाँ पे इन टर्टल्स के द्वारा अपने नेस्ट बनाए जाते हैं उनकी जो है प्रॉपर जी आएस, जो है स्टडी करेंगे ठीक है जी एक ऑपरेशन आपका टर्ट शील्ड भी जो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के तरफ तरफ से चलाया गया था जब हम इंडिया के अंदर एक लीगल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने ये वाइल्ड लाइफ ठीक है कंट्रोल जो ब्यूरो है इंडिया का है ना इसके बारे में जो है बेसिकली पढ़ा था ठीक है क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इंडिया का ये दरअसल इंडिया के अंदर जो इलीगल ट्रेड होता है है ना आपके बेसिकली स्पसीज का उसको कंट्रोल करने का काम करता है तो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल जो आपका क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इन्होंने इनकी नेस्टिंग साइट को प्रोटेक्ट करना इनकी किसी तरह की पोचिंग तो नहीं हो रही है डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन में यूज़ करने के लिए बहुत ज्यादा तो कमर्शियल एक्सप्लाइटेशन दरअसल टोटल्स का होता है तो उस चीज को स्टॉप करना ठीक है इसके अलावा आप देखो कि एक लोकल्स कम्युनिटी के बीच में अवेयरनेस को रेज करना इसको लेकर जो है काम किया था ताकि इनका जो है सर्वाइवल बेहतर हो सके ठीक है नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट राइनो अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है तो आप देखोगे जो आपके ग्रेट वन हो राइनो है जिनको इंडियन राइनो भी बोलते हैं ये इंडो नेपाल तराई और जो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल और असम है वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे

ना, उसको हमें थ्री थाउजेंड करना है दो हजार से यानी कि टू थाउजेंड जो पॉपुलेशन हमारी है उसको हमें क्या करना है उसको हमें थ्री थाउजेंड करना है ठीक है जी और असम के अंदर जो सेवन प्रोटेक्टेड एरियाज है वहां पर ठीक है जी काफी जो है इस इंडियो राइनो विजन की अचीवमेंट्स रही है इसने बेहतर यहाँ पर जो है बेसिकली काम किया है एक इंडियो राइनो स्ट्रेटेजी जो है लॉन्च की गई थी 2019 में ठीक है जिसमें कहा गया था एंटी पोचिंग जो हमारे बेसिकली कुछ इनिशिएटिव्स हैं है, है ना हैबिटेट है को प्रोटेक्ट करने वाले कुछ इनिशियेटिव है इनको लॉन्च किया जाएगा परफेक्ट है देन नेक्स्ट आता है वल्चर का कंजर्वेशन तो अगर बात करें तो भारत में ना वल्चर की नाइन ना जो है नेटिव नेटवस्पीज देखने के लिए मिल जाती है ओरिएंटल वाइट बैक्ट वल्चर है लॉन्ग बिल्ड वल्चर है अच्छा इनका आप देखोगे ना जो आईयूसीएन स्टेटस है वो अलग अलग है जैसे सिलेंडर बिल्ड जो वल्चर है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बट अगर आप देखोगे जो हिमालयन वल्चर है वो नियर थ्रेटनड है तो इसको ना याद करने की कोशिश कीजिएगा कि किसका जो है बेसिकली क्या स्टेटस है प्रोजेक्ट वर्ल्चर की अगर हम बात करें तो दरअसल 95 परसेंट के लगभग जो है इनकी जो पॉपुलेशन थी है ना उसमें लॉस देखा गया था करीब 1990 से लेकर 2000 के दशक के बीच में मेन uh, जो प्रॉब्लम थी मैंने बताया आपको एक तो बेसिकली जो ट्रॉफी हॉन्टिंग होती है है ना ये थी ठीक है इसके अलावा एक ना मेडिसिन है जो आपके लाइफ स्टॉक्स में यूज की जाती थी जिसका नाम है बेसिकली डाइक्लोफिनक ये जो डाइक्लोफिनिक मेडिसिन है इसको लाइव स्टॉक्स में कुछ डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था अगर उस एनिमल की डेथ हो जाती थी उसकी बॉडी के अंदर ये डाइक्लोफिनक रहता था और वर्ल्चर्स आपको बताएं कि जो डेड बेसिकली आपका आ, ये मैटर होता है इसको फीड करते हैं तो इस डाइक्लोफनेक की वजह से वर्चर्स की पॉपुलेशन में बहुत कमी देखने को मिली किडनी फेलियर जैसे जो है इश्यूज वर्ल्चर्स ने फेस किया एक नेक ड्रॉपिंग नाम का डिज़ीज़ जो है इनके अंदर देखा गया था ठीक है तो इसलिए सरकार ने क्या किया प्रोजेक्ट वर्ल्ड को टू को 2006 में जो है लॉन्च कर दिया था है ना और इसमें सरकार की तरफ से कुछ अदर इनिशिएटिव भी लिए गए जैसे वल्चर सेफ्टी जोन्स बनाए गए तो बेसिकली जो वल्चर की जहाँ पे कॉलोनीज होती हैं उसके आसपास की रेडियस को वल्चर सेफ्टी जोन के रूप में जो है सरकार की तरफ से प्रोटेक्ट किया गया कुछ वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम भी चले गए जो सेंट्रल जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से चलाया गया कुछ आपको वल्चर रेस्टोरेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो बेसिकली आपका फांसड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था ना वहाँ पर सबसे पहले ये आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा जो डेड एनिमल्स होते थे है ना उनका जो डिके बेसिकली मैटर होता था उनको यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता था ताकि वर्ल्चर को एक सेफ जो है फूड बेसिकली यहाँ पर मिल सके देन एक वर्ल्चर एक्शन प्लान जो है सरकार की तरफ से ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी तक है ना आ, रिलीज किया गया है और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम दरअसल क्या करेंगे एक्स जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं इनको एनहेंस करेंगे रेगुलर मोनिटरिंग की जाएगी और जो वल्चर सेफ जो नेटवर्क्स हमने बनाए हैं इनको और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे है ना और अगर और कोई कॉज है मोर्टेलिटी का वल्चर्स के अंदर उसको फाइंड आउट करके उसको भी प्रिवेंट करेंगे ठीक है जी तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा देन इसके बाद आता है प्रोजेक्ट स्नो लैपर्ड तो प्रोजेक्ट स्नो लैपर्स की बात करें तो अफ़गानिस्तान भूटान इंडिया जो स्नोई हिली पार्ट्स हैं सेंट्रल एशिया के मंगोलिया नेपाल पाकिस्तान रशिया में देखने के लिए मिलता है इनको बेसिकली गोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहते हैं क्योंकि बर्फ के अंदर इन ये छुप जाते हैं कॉमेफ्लीस जो है इनके अंदर काफ़ी बेहतर होता है तो दो में जो प्रोजेक्ट स्नो लैपर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू किया गया था ठीक है प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहां पे चलाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट किया जाता है जो वहां पे कम्युनिटीज हैं उनको भी जो है वहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं सपोर्ट किया जा रहा है ठीक है जी और इसके अलावा कुछ अदर इनिशिएटिव्स की बात करते हैं एक है आपका ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोग्राम जो बेसिकली ट्वेल्व आपकी स्नो लैपर्ड है ना रेंज कंट्रीज हैं ठीक है वहाँ पर बेसिकली इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है बिस्कि डेक्लेशन 2013 में जो है उसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था और यहाँ पे बेसिकली आपने टारगेट रखा है सिक्योर ट्वेंटी बाई ट्वेंटी तो ठीक है एक आपका प्रोग्राम है सिक्योर हिमालय जो आपका मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट है उसकी तरफ से सिक्योर हिमालय चला गया है यहाँ पे सिर्फ बेसिकली स्नो लेपर्ड पे फोकस नहीं है ठीक है ओवरऑल जो हिमालय का एक इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व करने की यहाँ पे बात चल रही है एंड साथ में यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं उन कम्युनिटीज़ को भी सपोर्ट करने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है ठीक है नेक्स्ट आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो जैसे कि मैंने बताया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि सबसे हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है है ना वो आपको मिल जाएगा जो बेसिकली राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र के एरिड या सेमी एरिड ग्रासलैंड्स हैं इसका भी जो है ट्रॉफी हंटिंग होती है पाकिस्तान में अभी भी होती है भारत में नहीं होती है ना इसके अलावा आपको लेसर फ्लोरिकन बंगाल फ्लोरिकन ठीक है आपका होबारा बस्टर्ड एम क्वीन बस्टर्ड बस्तर, बस्तर क्रूजो ये सब जो है देखने के लिए मिल जाएंगे तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बोस्टर्ड 2013 में याद रखिएगा इसको बेसिकली आपकी जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से चलाया गया था ठीक है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है बेसिकली किसका है राजस्थान जो है गवर्नमेंट का है अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो आई का एक डाटा ये कहता है कि 250 से भी कम जो है बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2021 में भारत में बचे थे तो 250 यार बहुत कम होते हैं है ना नेक्स्ट आता है आपको प्रोजेक्ट लॉयन दो तरह के लॉयस बेसिकली आपको सब स्पीसी मिल जाएगी एक आपके अफ्रीकन लॉयन एक आपके एशियटिक लॉयन ठीक है तो प्रोजेक्ट लोयन जो है बेसिकली स्टार्ट किया गया माना जाता है कि सिर्फ 600 सौ एशियाटिक लोन ही जो है भारत में बचे थे एंड इसकी वजह से 2019 में जो है प्रोजेक्ट लोयन को गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट कर दिया गया था ठीक है देन आता है चीता तो चीता के बारे में तो हमने काफ़ी पढ़ा सुना जाना है कि किस तरह से चीता जो है इंडिया के अंदर एक्सटिंट हो गए थे 1947 में लास्ट चीता को जो है बेसिकली एक तरीके से कहा जाता है कि डेड हो गई थी शिकार कर लिया गया था या जो भी कहें नाइनटीन के आसपास जो है सरकार की तरफ से चीता को एक्सटिंट डिक्लेयर कर दिया गया था एंड दो के आसपास जो है चीता रीलोकेशन प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट रखा गया था एंड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको मना कर दिया गया था देन 2017 के आसपास फिर से जो है इसको जो है आप कह सकते हैं कॉन्सेप्चलाइज किया गया एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर करने की इसको जो है इजाज़त यहाँ पर दे दी थी तो एशियाटिक चीता जो है वो केवल आप माना जाता है ईरान में ही मिलते हैं और सो से भी कम बचे हैं देन अफ्रीकन चीता जो आपको ऑल ओवर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने के लिए मिल जाएंगे इन्हीं अफ्रीकन चीता को जो है रिलोकेट किया गया है भारत के अंदर कुनो नेशनल पार्क के अंदर ये वो एक टाइमलाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगी है ना जो बेसिकली प्रोजेक्ट चीता की आपको है एक चीज ध्यान रखिएगा बात भले चीता की हो रही हो बट ये आपका जो चीता रिलोकेशन प्रोग्राम है ये भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया जा रहा है पहली बात इसके लिए भी जो नोडल एजेंसी है वो आपकी नेशनल बेसिकली टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ठीक है इन दो चीजों को आप ध्यान रखिएगा परफेक्ट है अच्छा अब आपने करंट स्टेटस की बात करें तो 2023 में भाई 20 चीता हमारे द्वारा जो है बेसिकली लाए गए थे लेकिन अभी कल परसों तरसों आपने अगर तो कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हों तो देखा होगा चीता की डेथ हो रही है एंड अगर आपने बेसिकली एनवामेंट का वीकली करंट अफेयर वाला सीरीज़ देखा है तो आपने देखा होगा हमने रेडियो कॉलर्स की बात की थी हमने ये बात की थी कि बेसिकली जो ये यहाँ पे चीता लाए गए हैं इनको हमने जो रेडियो कॉलर्स बेसिकली आप कह सकते हैं एक बार उनके गले के अंदर डाले में शायद ये भी वन ऑफ द रीज़न है उनकी डेथ का ठीक है तो कुछ जो फॉरेस्ट आपके ऑफिशियल्स थे उन्होंने बेसिकली इसके रिमूवल की बात की है कि इन कॉलर्स को जो है आप यहाँ पे रिमूव कर दीजिए अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप इसके बारे में तो उस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद आते हैं बेसिकली डुगोंग तो डुगोंग में मरीन मैमल्स हैं ठीक है डुगोंग जो है मरीन मामल्स हैं और शैलो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं आपका इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस वहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे ठीक है डुगोंग की अगर हम बात करें तो जो पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है वो तो आपका गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे में जो स्टैब्लिश किया गया था इसके अलावा जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जा रहे हैं जब हमने इन सीटो कंजर्वेशन पढ़ा था तो हमने उसमें प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में पढ़ा था मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में भी पढ़ा था तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो हमने बनाए जैसे गल्फ ऑफ मन्नार है ना मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार आइलैंड में वहां पर ना डुगोंग को लीगल प्रोटेक्शन दी गई है इनके कंजर्वेशन के लिए ठीक है तो ये कुछ स्पीसीज बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं भारत के जो काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है इनको आप प्लीज जो है ध्यान रखिएगा देन तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2020 में और 19 में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीएससी सीएससी की तरफ से है ना उनको जो है लेकर एक आपको डाटा दे दिया गया है ताकि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करें और यहीं पे आपको आंसर भी देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है तो ये तो आसान सा था भाई ज़्यादातर हमें बेसिकली इसमें क्या है चीज़ों को फैक्ट्स को जो है देखना था परफेक्ट है क्योंकि मोस्टली जो कॉन्सेप्ट थे वो हम पिछले चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं इसमें तो हम स्पेसिज बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स कब बस फैक्ट्स देख रहे थे कब कौन सा प्रोजेक्ट आया क्या एम है किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये बहुत अच्छे से आपको तब समझ में आ जाएगा जब इसको आप एक बार बुक से रिवाइज़ कर लेंगे राइट right? चलिए अब हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चैप्टर नंबर टाइन सॉरी uh, चैप्टर नंबर टेन एंड आपका ऑफ तो देखिए मिंग्रोव्स की अगर हम बात करें है ना थोड़ा सा क्या है डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं यस <coughs> yes. अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें तो मैंग्रोव्स क्या हैं मैंग्रोव्स बेसिकली ऐसे ट्री एंड श्रब्स हैं जो बेसिकली सॉल्ट वाटर को लेकर है ना सॉल्ट वाटर को लेकर टोलरेंट होते हैं ठीक है टोलरेंट बेसिकली होते हैं ठीक है जी ये होते हैं ज्यादातर मैंग्रोव आपको कहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे ज्यादातर मैंग्रोव आपको जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर जो इंटर टाइडल जोन होते हैं ठीक है जी जो आपके इंटर टाइडल जोन होते हैं यहाँ पर आपको ये मैंग्रोव देखने के लिए मिल जाएंगे अच्छा क्योंकि मैंग्रोवस आपको एक ऐसे इकोसिस्टम में देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे दो इकोसिस्टम की बाउंड्री बनती है मरीन इकोसिस्टम प्लस आपका लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो आपने देखा होगा हमने पढ़ा था जहाँ पे दो तरह की इकोसिस्टम आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे आपका एज इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट आता है है ना एच इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट आपका आता है एच इफेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये था दो डिफरेंट इको की वजह से यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है ठीक है वो कंपेरेटिवली हाई होती है यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज देखने के लिए मिल जाएंगे दिस इज़ ट्रू आपको मैंग्रोव के बहुत सारे जो है स्पसीज देखने के लिए मिल जाते हैं अब देखो अगर हम नेचुरली ट्रीज़ की बात करें तो ये तो भाई फ्रेश वाटर के लिए अडेप्ट होते हैं है ना जो बेसिकली सीड्स का जोमिनेशन वगैरह होता है वो भी अगर आपकी एक नॉर्मल सोइल है तो ही होता है लेकिन मैंने क्या बताया कि भाई मैंग्रोव्स तो आपके इंटर टाइडल जोन में है तो मैंग्रोव्स ने क्या किया है उस सॉल्टी एको सिस्टम के साथ सस्टेन करने के लिए अपने अंदर कुछ अडाप्टशंस कर लिए हैं ठीक है हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि किस तरह अडेप्टन जो है बेसिकली अलग अलग स्पिसीज के साथ देखा जाता है तो कुछ अडेप्टशंस के बारे में बात करते हैं सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि दरअसल काफ़ी सारे आप कह सकते हैं सर्विसस एंड रॉ मटेरियल ठीक है इन मैंग्रोव्स के द्वारा जो है हमें दिया जाता है जैसे अगर आप देखोगे जब भी स्ट्राम्स वगैरह आते हैं है ना तो ये जो मैंग्रोव्स हैं ये आपके सामने एक प्रोटेक्टिव बेल्ट के रूप में खड़े हो जाते हैं ठीक है जैसे एक स्टडी आई थी साइंस जर्नल के अंदर उस स्टडी ने ये बताया था कि भाई श्रीलंका में जहाँ पर ये मैंग्रोव्स जो हैं एक बेल्ट के रूप में रहे थे ठीक है कंपैरेटिवली वहाँ पे सुनामी की वजह से लॉस कम हुआ था 2005 के लगभग ये स्टडी आई थी ठीक है तो अगर ओशियंस के जो स्ट्रॉम्स सुनामी है ना साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं दूसरा आपको पता है वेव्स की एक्टिविटीज की वजह से है ना दूसरा आपको पता है बेसिकली जो आपके एक सेकेंड इसको डिलीट कर देते हैं जो आपकी वेव्स की एक्टिविटीज होती है इसकी वजह से जो आपका कोस्टल इरोजन है, राइट है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है बट अगेन क्योंकि ये प्रोटेक्टिव बेल्ट के रूप में रहते हैं तो जो तटीय अपर्दन है कोस्टल इरोजन है ये भी यहाँ पे प्रोटेक्ट होता है इसके अलावा मैंग्रोव की जो अलग अलग स्पसीज़ हैं वो आपके बहुत सारे फ्यूना के लिए बोर्ड्स के लिए क्या है हैबिटेट का, का काम करती है देन बहुत सारे मैंग्रोव के प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और उनको बेसिकली हम यूज़ करते हैं ठीक है तो आप देखें तो जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने में मैंग्रोव्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है बट इनको ना कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं सबसे पहला चैलेंज तो यह है डिफॉरेस्टेशन वन होगा कटाओ तो जो डिफॉरेस्टेशन है यहाँ पे मैंग्रोव्स के जो बेसिकली फॉरेस्ट हैं उनमें भी डिस्ट्रक्ट देखने को मिल रहा है डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है दूसरा बेसिकली जो रीजन है वो है आपका श्रिम्प कल्चर ठीक है तो जो श्रिम्प फिश होती है इसके एक्वा कल्चर के लिए मैंग्रोव्स को क्लीन कर कर आर्टिफिशियल जो है आपके पोंड बनाए जा रहे हैं और इसके लिए क्या है जो आपके मैंग्रोव्स हैं ठीक है इनको क्लीन कर दिया जा रहा है तो इस वजह से धीरे धीरे क्या है मैंग्रोव्स खत्म होते जा रहे हैं ठीक है तो इसके अलावा आप देखोगे हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होना पॉल्यूशन होना है ना और ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन में हमें कमी देखने के लिए मिल रही है तो सरकार की तरफ से काफ़ी सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं एक जो रिसेंटली इनिशिएटिव आपका न्यूज में था ये था आपका मिस्थी इनिशिएटिव ये जो मिस्थी इनिशिएटिव है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे याद रखना अब बात करते हैं कि मैंग्रोव्स ने इस सॉल्टी इकोसिस्टम के साथ सॉल्टी वाटर के साथ अडेप्ट करने के लिए क्या चेंजेस अपने अंदर किए हैं क्योंकि देखो अगर ये इंटर टाइटल जोन में हैं तो 24 घंटे में एक बार तो जो ओशियन का खारा सॉल्टी वाटर है उसको इनोडेट कर देता है यहाँ पे पूरा भर जाता है यानी कि सॉल्टी वाटर में सबमर्ज हो जाते हैं तो डैट मीन्स इनको कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे सबसे पहला तरीका क्या है इनके अंदर जो रूट सिस्टम देखने के लिए मिलता है वो काफ़ी डिफरेंट है अलग अलग तरह के रूट्स जो हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे एक जो आपके रूट होते होते हैं न्यूमेटनोस ठीक है एक रूट आपके जो सिल्ट रूट कहलाते हैं और एक रूट आपके जो है बेसिकली प्रॉप रूट कहलाते हैं ठीक है चलिए एक एक करके तीनों के बारे में समझते हैं आपको ये तो पता है कि नॉर्मली ट्रीज के रूट्स तो अंदर होते हैं लेकिन मैंग्रोव्स के पास तो ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो सॉइल है वो खारे पानी से बेसिकली सबमर्स्ड है तो ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी है ठीक है न्यूट्रिशन नहीं है है ना तो अब देखो एक तो आपको इस तरीके जो है रूट्स देखने के लिए मिल जाएंगे कि जो मेन स्टेम होता है उससे इस तरीके से रूट्स बाहर आए होते हैं इनको स्टिल्ट रूट बोलते हैं ठीक है जी दूसरे जो आपको रूट्स देखने के लिए मिल जाएंगे अगर ये एक मेन स्टेम है तो इस तरीके से जो है आपको आसपास पानी के ऊपर सरफेस पे आए हुए रूट देखने के लिए मिल जाएंगे तो ये ऑक्सीजन वगैरह जो है यहाँ से ले लेते हैं ठीक है जी इनको न्यूमेटोनोट्स जो है न्यूट रूट्स जो है बोलते हैं तीसरे प्रकार के जो बेसिकली रूट मिलते हैं आपको देखने के लिए मान लीजिए दिस इज अ ट्री ये इसके अपने ब्रांचेस निकल रखे हैं ठीक है इन ब्रांचेस से पिलर्स की तरह जो है रूट्स ऐसे निकले रहते हैं ठीक है इनको आपके प्रॉप रूट्स बोलते हैं इन रूट्स की वजह से क्या है उस सॉल्टी सबमर्ज वाटर के होने के बावजूद जिसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है ये सरवाइव कर पाते हैं एक दूसरा जो इनके पास बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा सिस्टम उसको बोलते हैं वी, वी जस्ट एक सेकेंड रुक जाइए ठीक है ठीक है जी तो हम क्या बात कर रहे थे दूसरा जो आपको देखने को मिलता है आपको पेरिटी ये देखने के लिए मिल जाएगा इसमें बेसिकली क्या है सीड्स के जर्मिनेशन का जो है आपका इशू है ठीक है सीड्स के जर्मिनेशन का आपका इशू है तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या जो आपके ये मैंग्रोव्स हैं है, है ना इनमें जो सीड्स होते हैं वो बेसिकली लीव्स के पास ही क्या है जर्मिनेट हो जाते हैं ठीक है ऊपर ही जो है जर्मिनेट हो जाते हैं क्योंकि अगर सीर नीचे आएंगे तो नीचे जो सॉइल है वो तो सॉल्टी है ऑक्सीजन उसमें है नहीं तो जर्मिनेशन हो नहीं पाएगा तो ये यहीं पे जर्मिनेट होगा तब नीचे आते हैं देन जो है एक नया यहाँ पे आपको पौधा देखने के लिए मिल जाएगा इसको वी पैरिटी बोलते हैं इसके अलावा जो सॉल्ट है वो दरअसल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए उतना भी अच्छा नहीं होता है ना ट्रीज के लिए जो आपका सोल्ट है बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाता है अब उस सोल्ट को क्या है हमें बेसिकली एक तरीके से बाहर भी करना होगा क्योंकि सोल्टी वाटर है तो जो मैंग्रोव की लीव्स होती है ना है ना उनके अंदर कुछ इस तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो ग्लैंड फॉल्ट को क्या है बेसिकली एक्सक्रीट कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं ठीक है तो इस वजह से क्या है बेसिकली आप देखेंगे इनमें बैलेंस बना रहता है तो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स हैं मैंग्रोव जो एक अडेप्टशन के बारे में हमने आपको पढ़ा था ठीक है और जितना मैंने आपको पढ़ाया ये बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या है बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा जैसे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मैंग्रोव की यूनिक लोकेशन होती है क्योंकि इंटर टाइडल जोन में ये मिलते हैं जहाँ पे खारा पानी होता है

जो है का कवर है ठीक है और बेसिकली आपको ये में सबसे ज्यादा सुंदरबन राइट है देन आपके जो है गुजरात अंडमान निकोबार में देखने के लिए मिल जाएंगे तो सुंदरबन भीतरकनी का गोदावरी कृष्णा देन आपके बैक वाटर ऑफ केरल पिच्चावरम ठीक है ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे परफेक्ट है ये जो है माप में इनकी अच्छे तरीके से लोकेशन देती है सिग्निफिकेंस की बात करें जस्ट डिस्कस किया कोस्टल प्रोटेक्शन होती है कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है नासा की एक स्टडी का कहना यह है कि मैंग्रूवस के द्वारा कार्बन का जो स्टोरेज होता है वो बेसिकली आपके जो रेन फॉरेस्ट है ना उनके कंपेयर में भी काफ़ी ज़्यादा होता है पर यूनिट एरिया जितना ये कार्बन स्टोर करते हैं वो आपके रेन फॉरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा है और नासा तो इनको बेस्ट कार्बन स्क्रबर्स की जो है बेसिकली एक उपाधि भी देती है बायोडावर्सिटी में काफ़ी रिच होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक एच इफेक्ट देखने के लिए मिलता है आपको बर्ड्स के बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है स्पेसीज देखने के लिए मिल जाएंगे वाटर प्योरीफिकेशन होता है क्योंकि मैंग्रोव्स जो है बेसिकली आप एक तरीके से देखिए जो आपके फाइटो रेमिडियर्स के रूप में काम करते हैं फाइटो रेमिडियस फाइटो मतलब आपका किसी हम ट्री से रिलेटेड प्लांट से रिलेटेड बात करें रेमिडियर मतलब रेमेडी तो आपके वाटर के अंदर अगर हैवी मेटल्स हैं तो मैंग्रोव तरह से उन हैवी मेटल्स को अपने पास जो है स्टोर कर लेते हैं और वाटर जो बेसिकली होता है वो फिर क्लीन हो जाता है तो वाटर प्योरीफिकेशन के लिए भी इनको जाना जाता है सॉइल का प्रोटेक्शन होता है कोस्टल एरिया के इरोजन को ये प्रोटेक्ट करते हैं फूड सिक्योरिटी देती है बहुत सारी फिश

क्लाइमेट चेंज हो रहा है सी लेवल राइज हो रहा है तो सी लेवल राइज हो रहा है तो उतनी तेजी से तो मैंग्रोव नहीं कर पाएंगे है ना तो ये कुछ हैं जो इनके बेसिकली आप कह सकते हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन का कारण बन रहे हैं कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं तो ग्लोबल लेवल पर एक आपका मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव है जो आई है एंड जो आपका बेसिकली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है ठीक है इनके द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है भारत भी जो है इसका मेंबर है देन एक मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है मैक किसको बोलते हैं ठीक है दो का जो यू ट्रिपल सी का बेसिकली एक कॉप हुआ था उसमें इसको यू के द्वारा प्रपोज किया गया था इंडोनेशिया ने इसको सपोर्ट किया था देन आप देखोगे एक इंटरनेशनल डे जो है जुलाई 26 को मैंग्रोव्स के लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है राइट right? है और अगर भारत के इनिशिएटिव्स की हम बात करें तो आपको नेशनल मैंग्रूव कमेटी एक देखने के लिए मिल जाएगी 1976 में जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके अंदर इसको जो है फॉर्म किया गया था ये सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लानिंग के लिए अलग अलग इनिशियेटिव के लिए एडवाइस करती है देन आपका एक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रूव एंड द कोरल रीफ एक होलिस्टिक तो ये प्रोग्राम है ठीक है इसको चलाया गया था देन यूनेस्को रामसर साइट देखो बहुत सारे जो मैंग्रोव के साइट्स हैं उनको तो यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया कुछ साइट्स को रामसर साइट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है तो फिर उनकी प्रोटेक्शन जो है अपने आप में एक लीगल स्टेटस हासिल कर लेती है एंड देन आपका है मिस्टी प्रोग्राम मिस्टी प्रोग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 2023 का बजट था सरकार का उसमें जो है इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है इसका नेम क्या है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड द टेंजिबल इनकम ठीक है तो मैंग्रोव्स के प्रवेंशन के लिए कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे काम करता है और यहाँ पे ना मैंग्रोव के प्लांटेशन को भी फैसिलिटेट करने की जो है बात कही जा रही है ठीक है आंध्र प्रदेश में एक जो है आप कह सकते हैं डेडिकेटेड फोकस्ड जो है बॉडीज है जो बनाई गई हैं महाराष्ट्र में भी जो है काम चल रहा है गुजरात में तो सीड स्क् जो है बेसिकली हो रही है ताकि जो बेड प्लांटेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके और वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो है आपके रेस्क्यू सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं ठीक है तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है इस तरह के इनिशिएटिव्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं देन आप देख सकते हो जो सुनामी वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था दो में तो आपको मीन्स का भी एक क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिल जाएगा कि कोस्टल इकोलॉजी में मैंग्रोव का जो इम्पोर्टेंस है परफेक्ट है तो यहाँ पर हमने दो चैप्टर्स कवर किए वन आर जो है कंप्लीट हो गया है तो आज थर्ड वाला चैप्टर रहने देते हैं उसको नेक्स्ट टाइम कर लेंगे है ना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट स्मॉल वन है तो जब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम अपने इस वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कोरल रीफ से आज मैंने आपको थोड़ा सा अलग तरीके से जो है पढ़ाना पढ़ाने की कोशिश की है तो आपको ये कैसा लगा है प्लीज मुझे बताइएगा एंड आपके इन्वामेंट एंड की सीरीज का पूरा ही अनुभव एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है ये भी मेरे साथ जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा तैयारी हुई अफोर्डेबल